अब क्या है भाई अपने नोट 40 को अनाउंस करने का यार। डिस्प्ले वगैरह, कैमरा वाइज एमोलेड और प्रोसेसर वगैरह, स्मार्ट फास्ट चार्जिंग सब भाई इसकी वीआईपी है भाई। और अब स्वीप से भाई रिव्यू लेते हैं भाई, कैसा सेट है यार ये स्वीप ही यार बताएगा। मुझे देखो एंड्रॉइड वगैरह की आदत नहीं है, आईफोन चला चला के बोर हो गया हूँ। जो ब्लॉग है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। अभी यार श्वेप ने एक नया स्मार्टफोन लेना है जो कि एंड्रॉइड होने वाला है। पिछले 10 साल से भाई आईफोन यूज कर रहा था, तो अब इसका मूड हुआ है भाई एंड्रॉइड स्मार्टफोन परचेज करने का। तो माइंडसेट यार एकदम 50-60,000 इसको एक अच्छा सा स्मार्टफोन लेना है भाई। और वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। वेदर भी काफी ज्यादा मजेदार हो रहा है भाई, फुल मतलब यार बादल हो रहे हैं तो मौसम भी काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर वहां के जाते हैं बारिश होगा तो भी काफी मजा आएगा यार। और अभी थोड़ी देर में यार वो आने वाला है, तो जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बस यार ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 minute 37 seconds later भाई दोस्त ने लिया है इन्फिनिक्स का भाई नोट 40 और बड़ा ही कोई क्लास का स्मार्टफोन है भाई। हम लोगों ने अनबॉक्सिंग वगैरह करवा ली थी भाई, साथ में केस वगैरह भी इसका निकाल लिया वायरलेस चार्जर वाला। और अब स्वीप से भाई रिव्यू लेते हैं भाई, कैसा सेट है यार ये स्वीप ही बताएगा। यार मुझे देखो एंड्रॉइड वगैरह की आदत नहीं है, आईफोन चला चला के बोर हो गया हूँ। 2016 से आईफोन चला चला के बोर हो गया, तो मैंने कहा चलो एक क्या कहते हैं ट्राई देते हैं एंड्रॉइड को कि अब एंड्रॉइड कैसा हो गया। क्योंकि जो मेरा पहला मोबाइल था वो था सैमसंग गैलेक्सी S3, वो तो मुझे उससे बड़ा मजा आया था तो एंड्रॉइड के अंदर। तो भाई फिर मैंने बाद में यार रोना वो बना कर करा के मैंने किसी तरह आईफोन यार SE लिया मैंने खरीदा। Meanwhile तो भाई जब से मैं मुझे आईफोन की लत लग गई भाई सही में क्लास सेट है यार। और स्पेसिफिकेशन भी मैं आप लोगों को चेकआउट करवा देता हूँ भाई। डिस्प्ले वगैरह, कैमरा वाइज एमोलेड और प्रोसेसर वगैरह, स्मार्ट फास्ट चार्जिंग सब भाई इसकी वीआईपी है भाई। वायरलेस चार्जिंग भी है इसमें और साथ में भाई इसमें मैक्सेफ वाला केस भी है। मतलब यार आप केस के थ्रू भी वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल फोन है। इसकी अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को चेकआउट करवाऊंगा। सो गाइस बिरयानी वगैरह भी आ चुकी है भाई अलफजर से यार, हम लोगों ने मंगवाई थी। कोक भी आ चुकी है भाई और अभी वेटर से भाई ज़रा स्पाइसी वगैरह करवाने का बोल दिया यार। और गाइस एक्स्ट्रा भाई मसाले वगैरह के साथ भी भाई बिरयानी लेके आ चुके हैं भाई। और अभी रिव्यू बताते हैं यार आप लोगों को टेस्ट करके, उसके बाद भाई नोट 40 को अपना अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं भाई कैसा सेट होने वाला है भाई ये। भाई फुल प्रमोशन करते हुए यार इस बात पे एक लाइक बनता है यार। पूरी दुनिया देखेगी फिर आपको और भाई पहला रिव्यू भाई स्वेप देगा भाई, कैसा टेस्ट है यार स्वेप अलफजर की बिरयानी वीआईपी भाई। साथ में नोट 40 भी आई है, मतलब फुल प्रमोशन हो रही है क्योंकि यार आज ये जो एंड्रॉइड सेट लिया है ना इसकी काफी तारीफें सुनी है, तो ज़रा इसको अनबॉक्स वगैरह करके भी देखेंगे। और मार्केट में काफ़ी रश था तो इस वजह से वहाँ पे शूट नहीं कर पाए, यहाँ पे आप लोग उसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। तो भाई अब मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ भाई अलफजर की बिरयानी यार। सो गाइस भाई अब टाइम है भाई अलफजर की बिरयानी को टेस्ट करने का भाई, और एक्स्ट्रा मसाला वगैरह के साथ बिरयानी मंगवाई है। पीछे लड़ाई वगैरह भी होना शुरू हो गई है भाई, बड़ा यूट्यूबर भाई आ गया इस वजह से भाई सारे सेल्फी के लिए पागल हुए, तो इस वजह से भाई ये हम लोगों ने एक माइंड बना लिया भाई। और एक्स्ट्रा मसाले वगैरह के साथ इसको टेस्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। वीआईपी लेना है यार, मजा आ गया और बहुत मजेदार टेस्ट है। अभी खाना वगैरह खाते हैं उसके बाद भाई अपने नोट 40 को भी भाई अनबॉक्स करते हैं। बॉस यार ये जो सेट है ना उसकी बहुत ज्यादा तारीफ है भाई और बहुत मजेदार सेट है। अगर बातें करना सीखें तो इससे सीखो। बस अभी इसको अनबॉक्स वगैरह करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और आप लोगों को चेक करते हैं। यार अभी का सीन कुछ है कि बिरयानी वगैरह खाने के बाद भाई शुएब भाई ने हमें मंगवा लिया है जिंगर बर्गर और फ्राइज वगैरह के साथ एक्स्ट्रा लोडेड भाई। और अभी ये सिंगल बर्गर भाई स्वेप वगैरह खाएगा और उसके बाद भाई नोट 40 को हम लोगों ने यार अनबॉक्स करना है, क्योंकि यार इसमें जो फीचर्स है ना भाई सही में कमाल के। वो यार 399 अल्ट्रा गेमिंग प्रोसेसर है भाई इसमें, 399 अल्टीमेट भाई ये फास्ट है भाई। एंड अभी बर्गर वगैरह यार एंजॉय करता है, उसके बाद यार इंशाल्लाह इसको अनबॉक्स करते हैं यार। मीनवाइल तुम अनबॉक्सिंग कर रहे हो या मैं? तुम कर लो।
आइए देखते हैं मजा आएगा। So guys, अब टाइम है भाई अपने नोट 40 को अनबॉक्स करने का यार। और अब ये जो हम लोगों ने इसका पहला कवर निकाल दिया है तो उसमें स्क्रैच वगैरह थी, हाईलाइटेड स्क्रैच को साइड में रखते हैं भाई। और अब यार इस मेन बॉक्स को खोलते हैं जिसमें यार हमारी मेन एक्सेसरीज है भाई। वैसे ये मैक्स वाला कवर है जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और भाई ये इसकी काफी ज्यादा अच्छी बात है। चलो भाई अब आ गई अपनी डिवाइस। तो भाई ये रहा भाई अपना नोट 40 जिसकी यार ये काफी ज्यादा मजेदार मैं आप लोगों को चीज दिखाता हूँ भाई। ये लाइट यार इसमें रिंग लाइट दी है भाई और बड़ा ही मजेदार स्मार्ट फोन है। फ्रंट लाइसेंस भी काफी कम है, पीछे की लुक भी काफी मजेदार है भाई। और अच्छा देखी थी मुझे खुद नहीं पता मेरे फोन में क्या क्या नहीं। और ये रहा इसका 45 वाट का फास्ट चार्जर, ये रही पेन है, दोनों चीजें हैं। 45 वाट का फास्ट चार्जर है, वगैरह दी है भाई, काफी ज्यादा मजेदार है। आईफोन में देते थे अब इन्होंने यार इंफिनिक्स वालों ने मेरा स्टिकर का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है। पहले आईफोन में स्पीकर वगैरह दिए करते थे भाई, यार ये आगे की सेंटर है मतलब कंप्लीट डेटेड से और प्रोटेक्टर वगैरह हम लोगों ने चढ़वा लिया भाई उसी वक्त, क्योंकि यार स्क्रैच वगैरह ना आ जाए इस वजह से भी स्पीकर को भी चेकअप करने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। So guys, यार अभी भाई सीन ये है, स्वेप का हो गया है एक्सपेंड भाई, पूरे दो दिन बाद ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है, सामने वाले घर में काम भी चल रहा है भाई। अभी एक होटल वगैरह पे आए थे यहाँ पे यार, एक वीडियो भी शूट कर रहे हैं। तो सीन ये हुआ था, ये इसका एक्सटेंड हो गया था, मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ था भाई। आ जाओ यार आप लोगों को लेके चलते हैं और अभी यार अपना ऑर्डर वगैरह करते हैं कुछ। और अभी यार दो दिन में दोनों सेट हुआ है तो यार अभी आया ये, वरना इसकी सिचुएशन बहुत खराब थी। बाइक इसकी सीडियो 70 थी, उसकी फुल हालत खराब हो गई है भाई। 125 को अभी हमने रिपेयर कराया, उसकी वीडियो यार आप लोग चेकआउट करो। और 125 भाई सेट हो गई है पूरी, मतलब एक दो घंटे लगे लेकिन 125 की फुल मॉडिफिकेशन हो गई है। तो बस यार अभी कुछ मंगवाते हैं और आप लोगों को बताते हैं भाई इसके साथ हुआ क्या था। बाकी आ जाओ यार होटल पे बैठते हैं और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू। भाई बहुत ज्यादा तेजी से काम चल रहा है यार बाइक का। क्या चीज यार, वो अलाइनमेंट अभी सेट कर देगा वरना उससे कह देंगे वो सही कर देगा यार। ये मुझे हाँ भाई इसके स्वेप की चोटें वगैरह लग गई थी, पूरा सीन मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ यार। पूछता हूँ पिस्टल लेके मैं भाग घुमाता हूँ। हाँ जरूरी भी है, अरे गाय वगैरह को मारने के लिए वो हराम फोन बीच में आ जाए। भाई मेन्यू वगैरह हमारे पास आ चुकी है बैठक की यार, अलग अलग टाइप्स की इनके पास रील्स हैं यार। और ये इनकी यार प्रॉपर मेन्यू यार, स्वेप देखो यार चेक करो इनकी मेन्यू। हाँ भाई यार मेन्यू वगैरह तो देख लिए आखिरकार यार, और बहुत ज्यादा बड़ी मेन्यू है यार, पूरा मेरा यार एक टेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया। तो गाइस यार आज का सीन कुछ यूं है कि यार अभी अभी मैं एक होटल पे आया हूँ और स्वेप को मैंने बुला लिया। दो दिन से स्वेप आया पे भाई, इसकी चोटें वगैरह बहुत ज्यादा लग गई थी यार, एक्सीडेंट हो गया था बेसिकली यार इसका। और उस दिन हमने नोट बॉडी की यार परचेजिंग वगैरह करी थी, उसका ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हुआ है, ये ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है भाई पूरे दो दिन बाद। अभी होटल वगैरह पे आके बैठे मैंने इसको बुलाया यार, इसने पट्टियां वगैरह करा ली थी यार, बाइक वगैरह की इसकी हालत काफी खराब है। तो 70 तो यार अभी हमने सही नहीं कराई, 125 की थोड़ी सिचुएशन खराब थी, 125 को सही करवा के वगैरह पे आया। स्वेप से पूछते भाई क्या सीन हुआ था उसके साथ, ये एक्सीडेंट वगैरह था यार। और दो दिन से भाई काफी ज्यादा इसकी तबीयत खराब थी, अब यार बिल्कुल बेहतर हुआ, होटल पे आया जरा यहाँ पे यार रोल वगैरह मंगवानी है तो खाते हैं, उससे पूछते भी रहते हैं। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और भाई के लिए यार दुआ भी करना कि जल्दी ठीक हो जाए। कल हम लोगों ने व्लॉग एंड कर दिया था इसका स्मार्टफोन लेने के बाद, फिर इसके साथ हुआ है भाई एक सीन, इसका हो गया एक्सीडेंट। अब वो एक खुद ही बताएगा कि यार एक्सीडेंट हुआ कैसे यार। हाँ स्वेप ऐसा हुआ था कि भाई मैं अपने काम में नाव के रखा था वो केरोसिन, भगाना शुरू हुआ गाय मेरे सामने आ गए और सामने आके रखे। अच्छा जब ब्रेक मारी तो वो क्या कहते हैं ड्रिफ्ट हो गई, फिर बाइक अनबैलेंस हो गई, हमें गाय करने जाके लगा प्रोग्राम तो वड़ गया। तो गाय ठीक थी भाई? गाय तो उठ के चारा खा रही, फिर उठाने भी नहीं आया, मैं बात में खुद उठाऊं। क्या सुहेब अब तो तबीयत वगैरह सेट है ना यार? एब्सोल्युटली नॉट।
स्मोकिंग के चक्कर में मेरे अफेयर लंग्स की भी और ऊपर से क्या कहते हैं लीवर का भी मेरे इसी तरह। मतलब भाई बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, अब आप लोग भाई के लिए दुआ करोगे यार जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए यार। 12 seconds later. तो गाइस आज के इस व्लॉग को हम लोग कर रहे हैं यहीं पर ही एंड। इस व्लॉग में भाई तीन चार काम किए, नोट 14 की परचेजिंग, उसके बाद भाई बाइक वगैरह की मॉडिफिकेशन करवाई 125 की। वैसे मैं चाहता तो 125 की मॉडिफिकेशन आप लोगों को कंप्लीट भी दिखा सकता था इस व्लॉग में, बट यार पहले ही आप लोग इतना बोर हो चुके हो बाइक्स की मॉडिफिकेशन देख के, तो मैंने आप लोगों को जस्ट थोड़े बहुत शॉर्ट्स दिखाए। और दोस्त वगैरह का एक्सीडेंट हो गया था तो वो भी यार फाइनली अब थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, थोड़ी बहुत छोटे हैं लेकिन वो भी ठीक हो जाएंगे भाई इंशाल्लाह। बाकी वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है आप लोगों ने सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी ऑन पे सेट कर देना है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारे इंडिपेंडेंस डे के दो व्लॉग आने वाले हैं, एक 12 अगस्त को पोस्ट हो जाएगा और एक जो व्लॉग है जो मेन इंडिपेंडेंस डे का होगा वो इंशाल्लाह हमारा 15 या 16 अगस्त को पोस्ट हो जाएगा भाई एडिटेड होने के बाद। बाकी आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय। Oh,